तनख्वाह मिले जितनी, ड्यूटी करो उतनी, समझ रहे हो गुरु? अरे क्या कर रहे हो यार, अब पैर छू लिया हूँ, शांति से रात का खाना भी खा सकता हूँ। अच्छा जी, चलो फिर ख्याल रखना अपना। चलो हाँ जी। दया शंकर पांडे जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कहाँ चल दिए? बस ड्यूटी फिनिश हो गई, निकलना। नहीं, आज आप ओवर टाइम करेंगे। ना ना ना, अपना दो रोटी से काम चलता है, ढाई कमा के क्या करेंगे यार, छोड़ो। पांडे जी, बात रोटी की नहीं है, बात यह है कि रमाकांत आज फिर ड्यूटी पर नहीं आया। ये रमाकांत का क्या नाटक है यार, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, कभी ये लफड़ा कभी वो लफड़ा, ये कौन है? हाँ, ये वही है जो बिल्डिंग पर चढ़ गया था। क्यों बे, बिल्डिंग में क्यों चढ़ गया था? चल, तुमने पकड़ लिया इसको? और क्या, चलो अब ओवर टाइम करने में कोई दिक्कत नहीं है, चले बहुत काम है। चलो यार, कुछ नहीं, बाबूलाल को बता रहे थे कि पहले जहां हम काम करते थे वहां पर हमारी क्या पोजीशन थी, बाद बाद में तो ऐसा हो गया था कि हम घर से बाहर, गुंडे मोहल्ले के बाहर, हम मोहल्ले के बाहर, गुंडे शहर के बाहर, हम शहर के बाहर, गुंडे मुल्क के बाहर, हम मुल्क के बाहर, गुंडे मुल्क के अंदर। यार ऐसा क्या कर रहे हो, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्रभु, कैसे बात कर रहे हैं? उल्टा क्या कोई ला रहे हो? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं हम जिंदगी बहुत साफ देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। प्रभु कैसे बातें कर रहे हैं? हेलो, सब इंस्पेक्टर दया शंकर पांडे स्पीकिंग। मैं श्री कुलकर्णी बोल रहा हूँ। हेलो, बोलो साहब। नमस्कार सर, हमें अभी अभी खबर मिली है कि वांटेड स्मगलर बाबू खाना होटल डिंपल की रेस्टोरेंट में बैठा है। हाँ साहब बोलिए। तुम फॉरन पुलिस फोर्स ले जाकर उसे अरेस्ट करो। ओके सर, आई विल डेफिनेटली डू द रिपोर्ट सर। ओके सर। करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बाबू गाना जिसने अभी तक 107 खून किए, 45 बलात्कार किए और 7 फैमिली को उड़ा दिया, तो पुलिस वालों को भी मारा था उसने। अरे बाप रे बाप, ये मुझे फोन क्यों आया? क्या हुआ गुरुजी? हुआ नहीं, होगा। बाबू काना गिरफ्तार होगा। होगा प्रभु, आज तो चमत्कार होगा। आइडिया, मैं होटल डिंपल के बजाय उसके बाजू वाली होटल सिंपल में रेड मार दूंगा। जब ये खबर डिंपल में जाएगी तो बाबू काना होशियार हो जाएगा और वहां से निकलकर भाग जाएगा। फिर मैं होटल डिंपल में रेड मार दूंगा और ऐसी सबसे कहूंगा कि बाबू काना भाग गया। जब काम बेहतरी से होता है तो खून खराबा क्यों करें? बाबूलाल रन। क्या हुआ गुरु? अरे दुश्मन के पास ऑटोमेटिक वेपन भी हो सकता है भैया। बाबू काना साहब, पुलिस कैसे आ गई? इसलिए कहा था बेवकूफ कि होटल डिंपल में आके मिलो। अब क्या होगा? निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ। ठीक है। ये साला शक्ल से ही गुंडा लगता है, इसी को पकड़ लेता हूं। ये पकड़ा जाएगा यहां से, बाबू काना भाग जाएगा वहां से, फिर बयान लेकर छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, खूनी दरिंदे स्मगलर, तुम कानून की निगाह में धूल झोंक सकते हो मगर दया शंकर के नहीं। हैंजब, हैंजब, अबे ऊपर कर। ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अबे तो कोई भी हो, वो तो नहीं। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। अबे तू कितना भी बड़ा गुंडा हो, उससे तो छोटा है। खबरदार, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो? अबे तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा तो क्या उसको गिरफ्तार करूंगा? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, जान से मार डालूंगा। गंजे साहब को ढंग से मारेगा। कंट्रोल योर इमोशन, जस्ट कंट्रोल योर इमोशन। आई एम इन कंट्रोल एंड यू आर अंडर अरेस्ट। Well done, my boy, well done. Sir, well done. Yes, well done. आखिर तुमने बाबू काना को पकड़ ही लिया। बाबू काना? Yes. बहुत डेंजरस लगता है साला, ये आइडिया तो भारी पड़ गया। ये मैंने क्या पंगा ले लिया यार? इसमें भी कोई बात होगी गुरुजी। अरे क्या बात है, कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात है। दिमाग खराब हो गया, जाकर ठंडी हवा खा के आता हूँ। ठंडी हवा में भी कोई बात होगी। आप जाइए गुरुजी, मैं इसको देखता हूँ। जाइए आप। चौबे कानिए।
इसको ध्यान रखना इसका। अरे रे रे। अरे बाप रे, कहा हुआ बाबूलाल? ये बाबू काने का झमेला तो टेंशन का तबेला है रे। तबेला? बाबू कितना कहत रहे थे बेटवा, खानदानी तबेला छोड़ कर ना जा, पर हम कहां सुनत रहे, कितना मजा आवत रहा था भाई साहब के संग, वैसा को बुलाए के ये लय के पनिया का छटा मार के ददवा निकाली। कमला? अरे कमला, अरे कमला, अरे कमला, अरे कमला कैसी है तू? ठीक है ना? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? उल्टी उल्टी तो नहीं हो रहा है? अच्छा कहाँ है तुम्हारा बाप, तुम्हारा सौतेला बाप? हमारा बापू गए शहर, तुम्हार बापू गए नहर। तुम्हार बापू गए शहर, हमार बापू गए नहर, तो कहाँ देखा था आज हमार गोदी माँ? अरे हट बाबूलाल। अरे कमला, अरे कमला, अरे रुका हो, रुका है। अरे एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए निंदवारे, तबेले में अरे घुस गए भैया, अरे हमारे कमला रे। गोबर से मुंह भर गए रे हम। तो सब ऐसे गंदी है, हमारा पूरा चेहरा खराब है, हम जाते हैं। अरे कमला, कमला, अरे कमला रुका, अरे बात सुना हम। अरे भैंसा, आज तुहार खातिर हमार कमला चले गए। ए कमला रुका, तुहार मुंह धो तो क्या छोड़ में नहीं, गंदा भैंसा नहावत में खाई नहीं।